17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के नाल कीता, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना और मुद्दों की राजनीति के ऊपर एक स्टैंड लेके खड़ मारना, यही मेरा धर्म से, यही मेरा फर्ज से। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की, जिद पर मैं बहुत देर का खड़ा रहा। कि जिन्होंने 6-6 साल पहला बादलों को क्लीन चिट्टा दी, छोटे मुंडिया ने उन्हें छद दी, उन्होंने उत्तर पैदा किया गया इंसाफ। जो लोग मसलों दी गल करते, वो मसले कितने ने, वो साधन कितने ने, इन साधनों के नाल असं आपके मुकाम तक पहुँचा। मैं ना तो हाई कमांड को गोरा कर सकता तो ना गोरा फोन दे सकता। किसी भी चीज़ की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतों पर खड़ूंगा। ये मैं कुछ सोचने की लोड़ नहीं। दागी लीडर ते दागी अफसर का सिस्टम तो भन्निया, दोबारा उन्होंने लिया के उ सिस्टम खड़ा नहीं किया जाता। वड्डे अफसर का दायित्व निभाते हुए उन्होंने लोगों को प्रोटेक्शन दी, सुरक्षा कवच पाए, जिन्होंने मावां दीआं कुखां रोकियां, उन्होंने पहरेदार नहीं बनाया जा सकता। मैं तो अड़ू तो लड़ू जाता सब तो। प्यारे पंजाबी, 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के नाल कीता, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस और मुद्दों की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना, यही मेरा धर्म से, यही मेरा फर्ज से। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है, जिद पर मैं बहुत देर का खड़ा रहा और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूर्ण दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदिआं दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जदों कितें भी द्वंद होवे सच की राह ते तुर ते मोरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, तां ही आवाज़ दे विच फल आए। ते अज जदों मैं देखदा कि उन्हां मुद्दिआं नाल समझौता हो रहा, अज जदों मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु दे चरणां दी धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लई लड़ना जिदे लई पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने, जदों मैं देखदा कि जिन्होंने 6-6 साल पहला बादलों नूं क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडिया के उत्ते तशद्दुद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दिता गया इंसाफ का, जदों मैं देखदा तो मेरी रूह घबराउंदी है कि जिन्होंने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट चैनल ने, तो की एजेंडा है? पंजाब के हर मसले का हल वीरो इनकम है। जिहड़े लोग मसलियां दीआं गल्लां करदे सी, वो मसले कित्थे ने, वो साधन कित्थे ने? कि इन्हां साधनां दे नाल असी आपदे मुकाम तक पहुँचांगे? मैं ना तो हाई कमांड को गुमराह कर सकता तो ना गुमराह
ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੜੂ ਤੇ ਲੜੂ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਅਸੂਲੋਂ ਪਿਆਂ ਚਾਹੇ ਤੋ ਟਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾਰਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਲੈਪਸ ਆਫ ਅ ਮੈਨਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਟੈਮਸ ਫਰੋਮ ਦ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।